अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम फैकल्टी मेंबर का प्लान है इफ्तार इकट्ठे करने का। तो हम 7 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर राशिद हैं, डॉक्टर मुजीब हैं, डॉक्टर मेराज हैं, डॉक्टर इसहाक हैं, डॉक्टर रिजवानुल हक हैं और डॉक्टर कासिम हैं। तो हम आज एक जगह इफ्तार करने जा रहे हैं, तो आपको उस जगह लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इफ्तार वहाँ पर कैसा होगा। तो अभी जो है तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया है, 5:15 हो चुके हैं शाम के, निकलने वाले हम लोग। अब व्यू देख लीजिए, बहुत खूबसूरत व्यू। सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए माजरत अगर आवाज़ आपको सही ना आ रही हो। तो आपसे अभी जाके मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ इस्लामाबाद होटल पहुँच चुके हैं। डॉक्टर कासिम मेरे साथ हैं, डॉक्टर रिजवान हैं। तो अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं और इफ्तार दिखाते हैं, इफ्तार कैसा है यहाँ का। ओके। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं अंदर। ये सामने इनका एंट्रेंस है, देखिए। तो ये इसका एंट्रेंस है, अभी एंटर होते हैं यहाँ से। तो अंदर एंटर हो चुके हैं हम। तो अभी रूफ टॉप पे हम जा रहे हैं। रूफ टॉप पे हमने रिजर्वेशन इसकी कराई थी। तो गलती कर बैठे सब लोग, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और वो सीढ़ियाँ ख़त्म थी और सीढ़ियाँ जो है ख़त्म ही नहीं हो रही तो ये हुआ है हमारे साथ। टॉप पे जाने के लिए, रूफ टॉप पे जाने के लिए हमने एलिवेटर नहीं ली, एलिवेटर नहीं ली और अब थक चुके हैं। ये रूफ टॉप है, ये देखिए। अभी देखते हैं। ये रूफ टॉप से व्यू है, अभी सब बैठ रहे हैं। ये तो आसिफ साहब रैंडम टॉप से ये व्यू आता है यहाँ पर। बारिश हुई है तो सब कुछ यहाँ पर गीला है। ये देखें, इफ्तारी भी हो रही है। बहुत अच्छा व्यू है रूफ टॉप पे। और यहाँ पर आप ब्रश देखें, आपको रिजर्वेशन पहले करानी पड़ती है, अदरवाइज जगह नहीं मिलती है आपको। शुरू में आपको मैं मेन्यू यहाँ पर दिखा दूँ, जब इफ्तार शुरू होगा तो फिर भी देखेंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, सैलेड है यहाँ पर और जलेबी इसमें है, फिर इसके साथ दही भले, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और सामने ये बना रहे इमाम शेफ।
यहाँ पर लग चुकी है अभी यहाँ। सब लोग ले रहे हैं यहाँ। कार हो चुका है, कार में आप देखेंगे घोड़ा वगैरह है और इसके साथ ही ये भी पकोड़े हैं और ये समोसे हैं और साथ ये दही भल्ले हैं। यहाँ पर दही भल्ले हैं, जलेबी है, सोहार। तो लोग सब अभी इफ्तार कर रहे हैं, इसके बाद डिनर। और डॉक्टर कासिम जो है डॉक्टर कासिम ने जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है तो इन्होंने खाना बंद कर दिया और बड़े डिसेंट तरीके से खा रहे हैं। पहले ये सारी प्लेटें इन्होंने साफ की है, ये देखिए। बिल्कुल कासिम, कुछ कह रहे थे आप? बस सर, अभी मैंने स्टार्ट किया, रिजवान साहब और साहब साहब ने बस छोड़ा ही नहीं है। मुजीब साहब भी आ गए। ये सामने जो है लग रहा है दामने को है, या मुनाल है या दामने को है, और यहाँ पर सब बैठ के खा रहे हैं। साथ ही शुरू हो गया। ये हमारे पास है चाउमीन, ये है दाल, पाकिस्तानी वेजिटेबल, और ये पाए वगैरह है। खाना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, ये पाए। ये है कोरमा और ये है राइस। ये है राइस और चिकन मेरी टाइम, ये पता नहीं क्या होता है। ये चिकन है, गुलाब जामुन है, और ये स्वीट्स हैं। ये देखिए स्वीट्स है, तो ये स्वीट्स है और ये डिनर का इनका है। और सामने जो है बारबेक्यू लग रहा है, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये जली है और सब लोग वहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर मिराज ले रहे हैं, नान लग रहे हैं। ये आप देखिए बारबेक्यू, बहुत अच्छा बारबेक्यू। डिनर का टाइम हो गया है, सब लोग अभी ले रहे हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ से लिया है, सीख कबाब है, फिश है और चिकन रोटी। डॉक्टर मिराज इधर बिल पे कर रहे हैं। बिल हमारा बना है 20,500 समथिंग, सात लोगों के 3,000 पर हेड है। अभी हम एग्जिट करने वाले हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ हम ये कर रहे हैं कि एक FBR की रसीद ले रहे हैं, जो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हम 15% टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट के इदारे में जाए, ना कि कोई इंडिविजुअल उसको दे सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ऊपर से हमने कैशियर से रसीद ली थी, अब हम यहाँ पर ऊपर रसीद ली थी टॉप फ्लोर से, और यहाँ से अब हम FBR की रसीद दे रहे हैं। तो ये हमें रसीद दे रहे हैं यहाँ से। तो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो FBR की रसीद लिया करें, ताकि टैक्स जो है गवर्नमेंट के इदारे में जाए। ओके, इस चीज़ को मैं बता दूं, ये कच्ची रसीद होती है। आपने जो रसीद लेनी है, ये वाली रसीद लेनी है, जिस पे मैं अभी इसको सही दिखाता हूँ आपके सामने।
ये वाली पक्की रसीद होती है, ये आपने हमेशा डिमांड करनी है ताकि गवर्नमेंट के इदारे में जाए ये FPR की रसीद आपने ले ली। तो ये एग्ज़िट का माहौल है यहाँ पर, सब लोग बाहर जा रहे हैं, हम खाना खा चुके हैं, इफ्तार कर चुके हैं, डिनर कर चुके हैं, ये बाहर का माहौल है। ये देखिए इस्लामाबाद होटल है, बड़ा मशहूर। तो डॉक्टर कासिम कैसा रहा आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। और सा खाना कैसा था इनका, अगर उन्हें आप बताएं ईमानदारी से? अच्छा था, अच्छा था। थोड़ा फीका फीका सा नहीं था? नहीं मैं यूज टू उस तरह खाने का। अच्छा। वैसे कम फीका खाएं तो वो ठीक भी रहता है वैसे, हाँ जी, ब्लड प्रेशर की वजह से। रिजवान साहब से पूछें, रिजवान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सर खाना ठीक था, मुनासिब था। असल में आपको पता है रोज़ा रखा और उसके बाद इफ्तारी करनी हो तो इतना ज़्यादा हैवी खाया भी नहीं जाता, तो कोशिश यही करनी चाहिए, थोड़ी 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 चीज़ें सारी टेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, बाकी आपको पता है पेट तो नहीं भरता इंसान। अच्छा, सही सही। तो यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, शुरू हो गई वीडियो। जी सर, इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट कहाँ का प्लान है हमारा आएगा? इंशाल्लाह ताला हम मुनाल वाली साइड पे जाएंगे। मुनाल शहरी का नाम बनाए प्रोग्राम, शहरी का? जी सर, शहरी का, शहरी का इंशाल्लाह प्लान सोच रहे हैं। आपने एक वो मुझे भेजा भी था, कोई पोस्टर सा था शहरी की, कौन सी जगह थी वो? वो दो तीन जगहों का भेजा था सर मेरे ख्याल में, उसमें ला मोंटाना भी है, उसमें मुनाल भी है, TKR भी है, उसमें TKR भी है, उसमें बैक टू नेचर भी है। शहरी के लिए 12 बजे जाना पड़ेगा फिर? हाँ, 12 बजे तकरीबन हमें 12 बजे जाए तो वीकेंड पे ही हो सकता है। हाँ, जिस दिन सुबह ऑफिस में जाना हो वीकेंड पे हो सकता है। बनाई साहब की विदाई ले लेते हैं शहरी का। मैंने तो आज की नहीं है उसे, खास नहीं हुआ तो वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। मिलते नहीं है, अब एक और तो पहले इफ्तार का बनाए ना चाहिए। हम चाय के लिए यहाँ आए हैं। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक बिल्कुल। दोस्तों ये थी आज की इफ्तारी, यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर कासिम है मेरे साथ और डॉक्टर रिजवान। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।